बात हम दिल्ली से करेंगे। दिल्ली में जो नए संसद भवन का निर्माण चल रहा है उससे करेंगे और किस तरीके से उस नए संसद भवन के मुकुट का अनावरण किया गया। भारत की नई संसद में बनाए गए देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ इसका अनावरण किया। किसी भी देश के अस्तित्व की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है और इस परंपरा में आज एक नया अध्याय जुड़ा। वैसे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन आज की तारीख भी इतिहास में एक नए निर्माण के रूप में दर्ज की जाएगी। नए संसद भवन में हुए अशोक स्तंभ के इस अनावरण में आधुनिक तकनीक और आध्यात्मिक अनुष्ठान दोनों का मिश्रण दिखाई दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले एक लीवर खींचकर इस विशाल अशोक स्तंभ से पर्दा हटाया। इसके बाद पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार से इसकी पूजा की। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरि नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे। नए संसद में बनाए गए इस अशोक स्तंभ की कुछ खूबियां आपको हम बताते हैं। कांसे की धातु से बनाए गए इस नए अशोक स्तंभ की ऊंचाई करीब 20 फीट और चौड़ाई करीब 14 फीट है। इसका वजन 9,500 किलोग्राम। वजन ज्यादा होने की वजह से अशोक स्तंभ को सपोर्ट देने के लिए इसकी नींव भी विशेष तकनीक से बनाई गई है। इसके बेस को बनाने के लिए 6,500 किलोग्राम का एक भारी स्टील का फ्रेम बनाया गया, जिसे 150 हिस्सों में तैयार किया गया था। नई संसद की छत पर ले जाने के लिए इसके 150 हिस्सों को असेंबल किया गया और फिर स्थापित किया गया। नए अशोक स्तंभ की एक खास बात यह भी है कि इसे काफी दूर से देखा जा सकता है। इसे 32 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना अपने आप में एक चुनौती था। अशोक स्तंभ के कंप्यूटर ग्राफिक स्केच से जो शुरुआत हुई थी वो आज साकार हुई है। इस पर 6 महीने तक देश भर के लगभग 100 शिल्पियों ने काम किया। आज प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों और टेक्नीशियन से संवाद किया। आज पूरे देश में इस बातचीत की चर्चा हो रही है। आपको भी ये बातचीत सुननी चाहिए। आज आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? इतिहास बना रहे हैं। सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको जी सर। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है जी सर। तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ दिखाओ हमको, है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर, सर। वो वन राशन को वन रेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है, कौन सा बात बताए सर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से गांव में आते काम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ पाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह का कुटिया सर, मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है जी सर, उसका मंदिर। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम कर। मैंने उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पर काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। चलिए मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भैंस वगैरह देने वाले हैं जी सर। राम मैंने आपको गर्व होना चाहिए जी सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी।